हमारी सरकार ने 500 रुपये कर दिए 1150 के, वो बड़ी बात की या ये 200 रुपये वाली बात बड़ी? दोनों में से कौन सी बड़ी बात, आप ही बताओ। निर्णय को किस तरह देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी काफी है, तमाम उपभोक्ताओं के लिए कर दिए गए ये, और ये 200 रुपये भी हमारे, हमने किए ना, हमारी सरकार ने उस दबाव में उसको काउंटर करने के लिए ये 200 रुपये किए। हमारी सरकार अगर नहीं करती ना 500 रुपये, ये 200 रुपये कम करने वाले नहीं थे, एक रुपया भी कम करने वाले नहीं थे। हेमाराम जी, भाई साहब आप वरिष्ठ नेता है, अभी सुझाव देकर आए, आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, किस तरह की क्या स्थिति लग रही है? सुझाव दिए जिससे कि अच्छे उम्मीदवारों का चयन हो, जीतने वालों का चयन हो और पार्टी की दोबारा सरकार बढ़े, यही सुझाव दिए। पायलट साहब की क्या भूमिका रहेगी इस बार चुनाव में? अब ये तो हाईकमान बता सकता है। क्या लगता है आपको, युवाओं को कितना आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा से युवाओं के पक्षधर रहे हैं? हाँ, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ये बात मैंने कही है, युवाओं का ध्यान रखना। इस बार भूमिका रहेगी पायलट साहब की, क्योंकि कुछ कमेटियों में तो शामिल किया है, लेकिन अब तो जो आने वाले जो वो मैंने कहा ना, उनकी क्या भूमिका रहेगी ये तो हाईकमान ही तय करेगा, किसकी क्या भूमिका रहेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये निर्णय करने वाले हम नहीं हैं, ये निर्णय करने वाला हाईवान है। हमने तो हमारी जो भी भावना है, उन्होंने बुलाया पूछा तो हमने हमारी जो भी बात थी उनको बता दी। मोटे तौर पर युवाओं को लेकर आपने कुछ बात कही है? मैंने कहा ना, आपको बता दिया, मैं युवाओं को मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार बिल्कुल मिलना चाहिए।